हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी स्मार्ट वॉच को फिटप्रो ऐप से कनेक्ट करोगे। तो गाइस, आपकी कोई भी स्मार्ट वॉच आप फिटप्रो ऐप से कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा आपको फॉलो करने। तो आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में जाना है और ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन करना है। तो हमने ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन कर दिया है। अब आप देखोगे तो अब मेरे को फिटप्रो ऐप में जाना पड़ेगा। तो आप फिटप्रो ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने प्ले स्टोर से पहले ही फिटप्रो ऐप को डाउनलोड कर लिया था। तो मैं फिटप्रो ऐप को ओपन करूंगा तो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है, नोटिफिकेशन के लिए अलाउ करना है। तो अब फिटप्रो ऐप खुलेगा, आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री कर लेना है, लोकेशन को अलाउ करना है। अब आप देखोगे तो फिटप्रो ऐप का गाइस ये होम पेज है। तो आपको जाना है सेट पे। तो सेट पे अब मेरे को ये स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करना है फिटप्रो ऐप से। तो मैं ऐड पे क्लिक करूंगा और अलाउ कर दूंगा इसको कनेक्टिंग कनेक्शन के लिए। तो अब आप देखोगे तो वॉच 7 यहाँ फाइंड हो चुकी है। तो वॉच 7 कनेक्ट होगी सब ये चारों चीज़ों से। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सबसे भी वॉच कनेक्ट होगी। ये देखिए वॉच में टाइम भी सेट हो चुका है। तो अब आप देखोगे तो वॉच डिसकनेक्ट लिख के आ रहा है। तो अभी भी वॉच पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं हुई है। तो इसके लिए भी कुछ स्टेप्स है, मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो अब आपको जाना है ब्लूटूथ में। अब जो वॉच का ब्लूटूथ है उसमें आप देखोगे तो वेल ऑडियो नाम का एक डिवाइस है, आपको उससे कनेक्ट करना है। वैसे ये पेयर डिवाइस में आ रहा है पर आपको सर्च में आ जाएगा आपकी वॉच का नाम। तो ब्लूटूथ से आपको पेयर करना है वेल ऑडियो को। तो ये पेयर हो रहा है ब्लूटूथ से। तो इसे पेयर होने के लिए सेकेंड्स लगते हो ना हो तो आपको वॉच का स्क्रीन ऑन करना है। वॉच का स्क्रीन ऑन करोगे तो जल्दी हो जाएगा। तो अब देखोगे तो ये वेल ऑडियो से कनेक्टेड है। तो अब आपको फिर से ऐप में आना है और अब आप देखोगे तो यहाँ कनेक्टेड लिख के आ चुका है। अभी वॉच वापस फाइंड होगी। तो वॉच फाइंड हो चुकी है और आप देखोगे तो वॉच 7 लिख के आ चुका है। तो वॉच पूरी तरीके से कनेक्टेड है और यहाँ वेल ऑडियो से भी वॉच कनेक्टेड है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पहले आपको वॉच को कनेक्ट करना है, फाइंड कर लेना, उसके बाद ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है। अगर ब्लूटूथ से पहले कनेक्ट होगी वॉच तो फिर ऐप से कनेक्ट नहीं हो पाएगी। तो ब्लूटूथ से बाद में कनेक्ट करना जब ऐप फाइंड करेगा उसके बाद। अब आपको चेक करना है कि वॉच फाइंड हुई कि नहीं, तो आप उसको फाइंड कर सकते हो। इससे ये श्योर हो जाता है कि वॉच कनेक्टेड है और वॉच फाइंड भी हो चुकी है, इसका मतलब वॉच पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुकी है। रिमोट शटर वाले फीचर में आपका कैमरा खुल जाता है और आप यहाँ कोई भी फोटोज क्लिक कर सकते हो। और जैसे ही आप फोटो क्लिक करोगे फोटोज यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ आप वॉच के थ्रू कमांड दे सकते हो कि अगर मैंने वॉच पे स्टार्ट पे क्लिक किया तो यहाँ फोटो क्लिक हो जाएगी और यहाँ सेव हो जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है। और ऊपर राइज टू वेकअप वाला फीचर है, जिससे कि अगर आप अभी मैं वॉच का अगर ऐसा करूँगा तो उसका डिस्प्ले ऑन नहीं होगा, पर अगर मैंने ये वाला फीचर ऑन कर दिया और अब मैं वॉच को ऐसे करूँगा तो इसका डिस्प्ले खुद ही ऑन हो जाएगा बिना बटन को हाथ लगाए। तो जब आप पहनते हो तो ये बहुत एक्यूरेटली हो जाता है और आप ऐसे करोगे तो ये जल्दी होता नहीं है। अब आप देखोगे तो वॉच का डिस्प्ले बिना बटन को हाथ लगाए ऑन हो गया। तो अब मैं आपको नेक्स्ट फीचर बता देता हूँ। तो यहाँ डू नॉट डिस्टर्ब मोड भी आप ऑन कर सकते हो और अलार्म सेट कर सकते हो, सेटिंग रिमाइंडर लगा सकते हो, मैसेज पुश में आप मैसेजेस ले सकते हो कोई भी ऐप से। आपको अगर सपोज यहाँ चाहिए इंस्टाग्राम के मैसेजेस तो आप उसको ओपन कर दोगे, आपको सेटिंग्स में जाकर अलाउ करना पड़ेगा। तो मैसेज भी आ के भी पूरे नोटिफिकेशंस आपको आ जाएंगे। आप कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हो, जैसे आप ऐड करोगे नाम और नंबर डाल दोगे तो वॉच में फीड हो जाएगा। डायल सेटिंग्स के लिए आपको अपने फ़ोन में नेट या वाईफाई ऑन करना पड़ेगा। क्योंकि डायल सेटिंग्स लोड नहीं होती है अगर नेट नहीं रहा तो अब मैं डायल सेटिंग्स को ओपन करूंगा। डायल सेटिंग्स में आप अपनी वॉच में वॉलपेपर्स लगा सकते हो। अब आप देखोगे तो यहाँ सारे वॉलपेपर्स लोड हो जाएंगे और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको कस्टम वॉच फेस कैसे लगाना है। तो आप देखोगे तो ये ऐप का है। अब जैसे मैं चेंज द डायल पे क्लिक करूंगा तो गैलरी ओपन हो जाएगी और आप अपनी गैलरी से कोई भी फोटो लगा सकते हो अगर आपने चेंज द डायल पे क्लिक किया तो। तो यहाँ मैंने गैलरी से ये वाली फ़ोटो ली है तो मैं इसको सेट करूँगा। क्लॉक को आप ऊपर नीचे सेट कर सकते हो ऐप के थ्रू। ये देखिए ऊपर होगी क्लॉक और अब मैं जैसे ही इस पर अपलोड पर क्लिक करूँगा तो फोटो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी वॉच में। अब गॉट इट। अभी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है
तो गाइस अब मैंने वॉच को चार्ज कर लिया था, तो अब आप देखोगे तो इसमें वॉलपेपर अपलोड हो रहा है काफ़ी स्पीड में। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी वॉलपेपर अपलोड हो वॉच को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप वॉच को छेड़ोगे तो उसका सॉफ्टवेयर भी करप्ट हो सकता है। तो यहाँ अब वॉच को अपलोड हो जाएगा और वॉच रिस्टार्ट होती है जैसे ही वॉलपेपर अपलोड होता है। तो वैसे ही वॉच का डिस्प्ले अच्छा नहीं है, काफ़ी पोअर क्वालिटी का डिस्प्ले, पर आप वॉलपेपर देख सकते हो इसमें आया और वो अपनी खुद की फ़ोटो भी लगा सकते हो। तो ये भी काफ़ी अमेजिंग फीचर है डायल सेटिंग्स में कि आप अपनी खुद की फ़ोटो लगा सकते हो और जो भी आपको इसमें वॉलपेपर पसंद आए वो लगा सकते हो। पर इसके लिए नेट चालू रखना आपको ज़रूरी है, अगर आप नेट चालू नहीं रखोगे तो ऐसा लोड ही नहीं होगा। तो अब डायल सेटिंग्स के बाद आप अपने वॉच को रीसेट कर सकते हो फ़ोन के थ्रू, और आप रिमूव भी कर सकते हो वॉच को। और अदर में आप जाओगे तो अदर सेटिंग्स काम की नहीं है, क्योंकि अदर सेटिंग्स मैंने देखी थी। और OTA अपग्रेड मीन्स वॉच को अपग्रेड आते हैं आजकल, पर T55 को कोई अपडेट नहीं मिलता। और फिटप्रो ऐप के थ्रू मैंने आज तक अपडेट नहीं किया, बैकग्राउंड सेटिंग्स भी काम की नहीं, क्योंकि वॉच के थ्रू कुछ भी नहीं है, मतलब वॉच का कोई फंक्शन नहीं है उसमें। तो यहाँ आप देखोगे तो मोशंस में आप वॉकिंग ट्रैक कर सकते हो कि आप कितने किलोमीटर चलते हो, और माइंड में आपको आपकी प्रोफाइल देखने मिलेगी। तो गाइस ये थे पूरे फीचर फिटप्रो ऐप के। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू।